नमस्कार शिक्षार्थियों, आज के इस डीएलएड प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मिसेस प्रवीण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत। आज के इस सत्र में हमारी चर्चा का विषय बड़ा ही सामान्य परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है कक्षा कक्ष में बातचीत का महत्व। जी हाँ, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है उस समय बातचीत होना बड़ा अटपटा लग रहा है, परंतु वास्तव में शिक्षण अधिगम के प्रोग्राम को बातचीत और भी रोचक और भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण और समझने में लाभकारी होती है। कैसे, आइए चर्चा करते हैं। बातचीत का क्या अर्थ है? बातचीत का संबंध उच्चारण से है, यानी हम कक्षा कक्ष में शिक्षक के रूप में पढ़ाते हुए जब भी कोई सामग्री है उसका बोल कर ही प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उस उच्चारण से ही बातचीत का संबंध है। परंतु ध्यान रहे, यह बातचीत स्वाभाविक और सहज रूप में होनी चाहिए, इसमें कोई बनावट नहीं लगनी चाहिए। बातचीत सदैव पूर्ण वाक्य में नहीं होती है और साधारण शब्दावली ही पर्याप्त होती है। बातचीत में संक्षिप्त संबोधन का प्रयोग होता है, जैसे अरे, वह इत्यादि। यानी जब हम कोई बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कोई बनावट नहीं लगनी चाहिए। सामान्य रूप में जैसे हम किसी से बात करते हैं, शब्दों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे ही कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो दूरी है उसको मिटाने का सबसे अच्छा माध्यम है कि अध्यापक उनसे बातचीत करें, किस प्रकार से उनसे उनको उसमें सम्मिलित करें। अध्यापक प्राय बच्चों के समूह से बात करता है। पहले कोई भी जो प्रश्न है वो पूरे समूह से किया जाता है, कभी भी एक बालक का नाम लेकर उससे प्रश्न नहीं किया जाता। और ये जो विषय होता है ये उनके घर परिवार आदि से होता है, ताकि वे खुलकर बेझिझक बातें कर सकें, ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है। एक प्रकार से यह प्रश्न उत्तर का ही सत्र रहता है। बाद में स्तर बढ़ाते हुए किसी एक विषय पर बातचीत या चर्चा की जा सकती है। उदाहरण के लिए बच्चों से ये पूछना कि कल 15 अगस्त पर आपने विद्यालय में क्या क्या देखा और क्या किया था, तो सब बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या हुआ था, हमने तिरंगा झंडा देखा था, फिर उसको फहराया गया था, राष्ट्रगीत भी गाया गया था, कविताओं की प्रस्तुति हुई थी। इस तरह बच्चे जो है सामान्य रूप से बिना किसी भी झिझक के जो भी उन्होंने देखा वो बात बताएंगे। इसी तरह हम कोई और प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे माना कि विद्यालय में 2 महीने की ग्रीष्मकाल की छुट्टियां हुई हैं, उसके बाद सभी बच्चे कक्षा कक्ष में आए हैं, एकदम से आते ही बनावट का माहौल या ऐसे सख्ती से दिखाइए आपको जो जो टास्क दिया था, सभी बच्चों ने काम पूरा किया है या नहीं, उसकी बजाय हम साधारण बातचीत से अपना शिक्षण प्रारंभ करें। जैसे कि अच्छा बच्चों, 2 महीने की छुट्टियाँ थी, ग्रीष्मकालीन की छुट्टियाँ थी, आप सब कहीं कहीं घूमने गए होंगे, तो बड़े सहज भाव से हमने बातचीत प्रारंभ की और सभी बच्चे भी बढ़ चढ़ कर बताएंगे कि हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, हम शिमला गए थे। कोई बच्चा जो भी जैसे उसकी प्रतिक्रिया होगी, इस तरह आप जो है जब बच्चे बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं उनको बीच में रोकेंगे नहीं, हाँ हम ऐसे कह सकते हैं, चलो एक एक करके बताएंगे, और वो अपनी बातचीत की भाषा में अपने जो अनुभव है उसको बताएंगे। तो अगर पहले ही हम ये कह देते कि दिखाइए आपने परीक्षा के लिए क्या क्या तैयारी की है, कल आपकी परीक्षा है या कल आपका टेस्ट है, तो बच्चे एकदम से सहम जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन यह हमने बातचीत के जरिए पहले उनको धीरे धीरे उनकी और अपने बीच की दूरी को समाप्त किया, उनसे पूछा अच्छा कौन कौन कहाँ घूमने गया था, क्या अनुभव किया। फिर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी हम उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आप उस स्थान पर गए थे, तो माना बच्चे कहते हैं हम अमृतसर गए थे, तो हम पूछ सकते हैं अच्छा बताओ ऐतिहासिक दृष्टि से अमृतसर का क्या, वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे, आपने और क्या देखा, क्या किया, अच्छा बड़े मज़े किए होंगे। इस तरह धीरे धीरे उनको बातचीत के जरिए उनसे ये बढ़ाते जाएंगे। जब हम ऐसे बातचीत करते हैं, जैसे हमने बात की, उनके बीच में झिझक नहीं रहेगी और वो खुलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ भाषा सामान्य रूप से जो उनकी रोज की बोलचाल की भाषा है उसी का प्रयोग किया जाएगा। अब ये जो बातचीत है इसका जब हम अर्थ समझ गए तो देखें बातचीत से क्या लाभ होते हैं। बातचीत से बच्चे सहज भाव से सीखने लग जाते हैं। देखिए कोई भी
पाठ है, चाहे हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, चाहे हम उससे ऊपर के स्तर पर पढ़ा रहे हैं या सेकेंडरी स्तर पर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ाने का शिक्षण प्रक्रिया का एक ही उद्देश्य होता है कि जो कुछ हमने उद्देश्य लिया है, जो विषय वस्तु बच्चों को सिखानी है, वो बड़े सहज भाव से सीख जाएं। तो प्राथमिक स्तर पर सहज भाव से सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनको बातचीत करते हुए आगे बढ़ाएं। जैसे अगर मैंने अभी आपको अमृतसर का उदाहरण दिया, अगर केवल हम उसका ऐतिहासिक दृष्टि से पाठ पढ़ाने लगेंगे तो बच्चे शायद इतनी रुचि उसमें ना लें, लेकिन हम उसको और भी मनोरंजक बनाने के लिए हमने पूछा कि अच्छा आप कहाँ कहाँ गए, वहाँ कौन सी बिल्डिंग देखी, कौन से भवन देखे, उसके बारे में आपको ऐतिहासिक महत्व क्या पता है, अच्छा आपने तो खूब मज़े किए। इस तरह से हम धीरे धीरे जब उनसे बात करते हैं तो वे डरते नहीं हैं और खुलकर बताते हैं। बातचीत अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। जैसे भाषा का आविष्कार क्यों हुआ, एक समय अगर मैं आपको पाषाण युग की ओर ले जाऊं, उस समय क्या था कि सबसे जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग पहले बीटिंग ऑफ ड्रम्स यानी ड्रम की आवाज़ से बातचीत आदान प्रदान करते थे, उसके बाद मनुष्य उससे भी ऊब गया और उसके बाद सांकेतिक रूप से बात की जाने लगी, लेकिन फिर भी जो मन के दबे हुए विचार थे उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। तो धीरे धीरे पाषाण युग से आगे चलकर हम जो है हम भाषा का उद्भव और विकास हुआ, केवल किस लिए कि उसका भाषा का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि अब यह एक अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। तो अभिव्यक्ति का सरल माध्यम को और भी सरलतम बनाने के लिए सबसे उचित तरीका है बातचीत, क्योंकि हम जो कुछ भी बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से बातचीत करते हुए उनको वो बात वो विषय वस्तु बताएं और वो उनकी अपनी भाषा में हो, जिससे उनके मन में डर नहीं रहे। क्योंकि कक्षा कक्ष में हमें डर का माहौल नहीं बनाना है, बल्कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में इतना मधुर संबंध कायम करना है कि विद्यार्थी अपने आप ही स्वयं ही कक्षा में आने के लिए प्रेरित महसूस करे। उसको सुबह उठते ये नहीं लगना चाहिए वो आज फिर विद्यालय जाना पड़ेगा, बल्कि वो इतना उत्साहित हो वो माता पिता को कहे कि जल्दी जल्दी मुझे तैयार करो, मुझे विद्यालय जाना है, क्योंकि विद्यालय में उसको मनोरंजन भी मिल रहा है, उसकी जो अभिव्यक्ति है उसका माध्यम भी वहाँ है मिल रहा है। उन्हें अपनी भाषा में ही बातचीत करने दें ताकि बच्चों में परस्पर दूरी जो है वो समाप्त हो जाए। केवल अध्यापक और विद्यार्थी की ही दूरी नहीं होती, कई बार बच्चों में छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे समूह जिसको क्लिक्स भी कहते हैं वो बन जाते हैं और किसी ना किसी आधार पर उनमें एक तरह से गुटबंदी हो जाती है। एक अच्छे कक्षा कक्ष में जब हमें प्यार का सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना है तो हमें उस गुटबंदी को समाप्त करना है। वो कब समाप्त होगी, जब बच्चों में आपस में एक तरह से सामंजस्य स्थापित होगा, उनमें किसी भी प्रकार की किसी भी आधार पर दूरी ना हो। तो जब हम सभी बच्चों को बराबरी दे रहे हैं, बराबरी का उनको महत्व दे रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भाषा के आधार पर या किसी भी और आधार पर हम उनमें जो है भेदभाव नहीं कर रहे, तो बालकों में आपस में दूरी समाप्त हो जाती है। अब बातचीत से और क्या लाभ हैं, बच्चों की आपस की बात भी कभी निरुद्देश्य नहीं होती। जब वो आपस में माना कि केवल खेल का ही जो है पीरियड है या केवल वो रेसेस में खाना ही खा रहे हैं या वो जो है ग्राउंड में खेल रहे हैं, वहाँ भी अगर उनकी कोई बातचीत होती है उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। एक भी बात दो बच्चों के बीच में कोई भी बात हो रही है या दो से अधिक बच्चों के बीच में हो रही है, उसका कोई तो उद्देश्य होगा। जैसे केवल वो ना पढ़ाई की बात नहीं, केवल अगर वो शाम ये बात कर रहे हैं कि शाम को सायंकाल को कक्षा के बाद सभी बच्चे सबका क्या क्या प्रोग्राम है, भाई कौन क्या करने वाला है, तो वो बताएंगे, कोई कहेगा कि आज मुझे थिएटर जाना है, कोई कहेगा मुझे आज जो है भूगोल की तैयारी करनी है, कोई कहेगा मुझे अंग्रेजी की तैयारी करनी है, कोई कहेगा नहीं मेरा आज मैच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका भी एक उद्देश्य हुआ कि बच्चे बता रहे हैं सायंकाल का हमारा क्या प्रोग्राम है। बातचीत के मौके से उनमें सुनने व बोलने की सामर्थ्य बढ़ती है। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो भाषा है उसके दो जो उद्देश्य हैं उनमें से
पहला है सुनना और दूसरा है बोलना। जब पहली प्रक्रिया होती है सुनने की और उसके बाद होती है बोलने की, तो बच्चों को अवसर दिए जाएं कक्षा में कि वो सुने और फिर वो बोलें, तो बोलने की सामर्थ्य उनमें कब बढ़ेगी, जब हम उनको बराबर आधार पर मौका देंगे कि अच्छा आप खुल कर बात कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है, किसी भी शब्दावली का प्रयोग करें, यहाँ कोई नियमावली नहीं है, हमारा एक आपस का प्रेम पूर्ण व्यवहार बना रहे, उनमें आत्मविश्वास एवं उत्साह बढ़ता है। सब हमारा शिक्षण का उद्देश्य है कि हम बालकों को केवल विषय वस्तु ही नहीं पढ़ाएं, बल्कि उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास जगाएं कि वो जब स्कूल से यानी विद्यालय से पढ़ाई समाप्त करने के बाद वास्तविक जीवन में कदम रखें तो उनमें एक आत्मविश्वास बना रहे। लेकिन अगर हम केवल किताबी ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान उनको देते रहेंगे और उनको बोलने का मौका नहीं देंगे, तो जब वो अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, जो भी उनके संबंधित कार्यस्थल हैं, तो वहाँ उनमें आत्मविश्वास की कमी रह जाएगी और एक तरह से हमारा शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही जब बच्चों को मौका दिया जाता है तो आत्मविश्वास के साथ साथ उनमें उत्साह और स्फूर्ति बनी रहती है, उनमें कुछ नया कर दिखाने की एक क्षमता, एक जोश रहता है। वातावरण में किसी भी प्रकार की बनावट नहीं होनी चाहिए। जब वातावरण में बनावट हो जाती है तो उसमें उनका कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बालकों में कल्पना शक्ति का विकास हो, वो कोई सृजनकारी कार्य कर सकें, तो हमें कक्षा कक्ष में बनावट का माहौल नहीं उत्पन्न करना है, क्योंकि कल्पना शक्ति या सृजनात्मकता की पहली शर्त है स्वच्छंदता, यानी कि एक जो है किसी भी प्रकार का उन पर रोक टोक नहीं हो। तो जब उनको लगेगा कि कोई भी जो प्रश्न है उसका एक उत्तर नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा उत्तर है, हम कुछ भी किसी भी चीज़ को अपनी कल्पना शक्ति के सहारे अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, माना हम बच्चों को एक चित्र दिखाते हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि एक वन है और एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी है, और बच्चों को कहेंगे कि आप इस चित्र में लड़की को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है। तो ऐसा होता है कि जब हमारे मन में जो विचार होता है हमें उस वस्तु में वही कुछ नज़र आने लगता है। जैसे जिस बच्चे ने माना कि गृह कार्य नहीं किया होगा, वो उसको देखकर उसके कल्पना शक्ति में क्या विचार आएगा, ओहो इसने जो है कक्षा कक्ष का कार्य पूरा नहीं किया है, इसी डर से शायद ये विद्यालय नहीं जा रही है। और माना कोई बालक कल को रास्ता भूल गया था पहले दिन, तो उसके मन में वही बात है, वो कहेगा ये लड़की रास्ता भूल गई है। जिसके घर पर पिटाई हुई होगी किसी भी काम से, तो वो कहेगा इसको मम्मी ने मारा है। या जैसे कि माना कि जिसके मन में भी जो बात है, कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है तो वो कहेगा कि शायद ये यहाँ फूलों के वन में जो लड़की है ये प्रेमिका है, अपने प्रेमी का इंतजार कर रहे, इस तरह क्या हुआ। जैसे कवि है वो इस तरीके से सोचेगा, बालक और तरीके से सोचेगा। तो क्या हुआ, जब हमने कोई बनावट का माहौल नहीं दिया तो कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास होता है। अगर हम किसी गायक पर या कोई जो शायर है उसको कहेंगे आप इसी थीम पर, इसी उपविषय पर कोई कविता रचें, तो ऐसा हम निर्देश देकर उससे कविता की रचना नहीं करवा सकते या कोई शेर नहीं उससे रचना करवा सकते। या हम कोई चित्रकार है उसको कहें कि आप इसी विषय वस्तु पर चित्र बनाइए, तो ऐसा संभव नहीं है। और तो इस तरह से हमने आपको बताया कि कल्पना शक्ति का विकास होता है जब हम बातचीत के दौरान बच्चे पर किसी तरह की बनावट या कृत्रिम प्रक्रिया का बोझ नहीं बनाए रखते। वे सूझबूझ लगाकर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जैसे हमने विषय वस्तु पढ़ाई या हमने कोई कहानी बताई, आधी कहानी बताकर छोड़ दी और हमने बच्चों को कहा अब आप सोचो इस कहानी का अंत कैसे हो सकता है, हम नहीं बताएंगे कि लेखक ने इस कहानी को आखिर में क्या रूप दिया है, तो आपके हिसाब से इस कहानी का क्या मोड़ होना चाहिए। तो बच्चे उस कहानी को सुनकर स्वयं पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बातचीत के कितने लाभ हमारे सामने आए कि उनमें सुनने व बोलने की सामर्थ्य बढ़ी, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा, उत्साह और स्फूर्ति बढ़ी, किसी तरह का बनावट
का माहौल न होने से बच्चों में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास हुआ, और फिर वो सूझबूझ लगाकर भविष्यवाणी से ये मतलब है कि जैसे कोई कविता पूर्ण करने को कहना, या हम व्याकरण की कक्षा ले रहे हैं तो व्याकरण की कक्षा में हम उनको 4 वाक्य बताकर 5वां वाक्य उनको बताने को कहें, या जैसे कि हम उनसे गद्य का कोई काम करा रहे हैं, पद्य का काम करा रहे हैं, तो आधा देकर उनको क्ल्यू देकर संकेत देकर उनको पूरा करने को कहा जा सकता है। अब है बातचीत के कैसे कैसे चरण होते हैं, ये बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारी भाषा है उसके चरण हैं। सबसे पहले है सुनना, कि हम पहले अध्यापक को या किसी भी व्यक्ति को सुनते हैं उसके बाद बोलते हैं, क्योंकि बातचीत के दौरान सुनना और बोलना दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। जैसे माना कक्षा में हमने एक साधारण बात करी, हमने बच्चे से पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, उसने सुना और समझा और उसने कहा मेरा नाम प्रगति है। तो जब उसने ये बात सुनी और समझी कि अध्यापक मेरा नाम पूछ रहा है, तो वो सुन के उस चीज़ को समझेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद वो बोलेगा, वो बच्ची ने जवाब दिया कि मेरा नाम प्रगति है। अक्सर कक्षाओं में अध्यापक व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे केवल सुनते हैं, परंतु ये बातचीत नहीं कहलाएगी, क्योंकि जब लगातार व्याख्यान होता रहता है तो बच्चे के लिए ये बड़ी उबाऊ प्रक्रिया हो जाती है। बीच बीच में डेमोन्स्ट्रेशन विधि या बातचीत होने से क्या होता है कि बच्चों को का एक जो है उनकी रुचि बनी रहेगी, और साथ साथ उनके मन में ये भी कौतूहल रहेगा कि अध्यापक मुझसे भी कुछ पूछ सकता है, तो बच्चे इस तरह से बिल्कुल अटेंटिव, बहुत ध्यान देकर बैठते हैं। साधारणतया ये सोचा जाता है कि बातचीत से कक्षा का अनुशासन भंग होता है, यानी हम सोचते हैं कि बातचीत हो गई तो वो अनुशासन भंग हो गया, लेकिन आपको बता दें कि वो आप प्राथमिक स्तर के बाद जब आगे स्तर पर जाएंगे तो फ्लैंडर सिस्टम की बात करेंगे, तो उस सिस्टम के आधार पर क्या है, अगर किसी कक्षा कक्ष में पूर्णतया खामोशी है तो इसका मतलब वहाँ पर अच्छा शिक्षण और अधिगम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हम शिक्षण के सूत्रों की बात करें तो उनमें से एक सूत्र है कि पूर्णतया खामोशी होना अच्छे शिक्षण अधिगम की निशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बालक डर से बैठे हैं और आप व्याख्यान करे जा रहे हैं, बच्चों को कोई रुचि नहीं है, उसमें उनकी सिर्फ इस बात में ध्यान है कि 40 मिनट तक डर कर बैठे रहना है, 40 मिनट बाद घंटी बजेगी और वो हो करते हुए बंदरों की तरह सारे बच्चे बाहर निकल आएंगे क्योंकि वो बहुत ही ऊब गए हैं। तो पूर्णतया खामोशी होना भी कक्षा कक्ष की एक अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब वहाँ शिक्षण हो रहा है और अधिगम नहीं हो रहा। जहाँ शिक्षण हो रहा है, अधिगम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ भी पठन क्रिया नहीं हो रही है। यदि हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो इस बातचीत का महत्व इतना अधिक है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यानी कि अगर जो है उच्च स्तर पर हम कोई व्याख्यान विधि से पढ़ाना चाहें कुछ विषय वस्तु को तो वो फिर भी संभव है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर तो व्याख्यान विधि से पढ़ाना असंभव है, क्योंकि इसका इतना महत्व है जिसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि बच्चों का जो रुचि है, बच्चों की दिलचस्पी बनाए रखना आवश्यक है, उनको बीच में अपने वार्तालाप में सम्मिलित करना आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, वो इतने ऊब जाएंगे। जैसे हमने अभी शिक्षण अधिगम के और सूत्रों की बात की, उसमें से एक मुख्य सूत्र है अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध ऐसे होने चाहिए कि उनमें एक आपसी सौहार्द का, एक प्यार का संबंध बना रहे, जिससे कि विद्यार्थी जो है अध्यापक का आदर तो करें लेकिन अध्यापक से इस बात पर ना डरें, एक अनुशासन की एक सीमा तो बनाए रखें, परंतु डरे डरे ना रहें कि अगर मैंने प्रश्न पूछ लिया तो अध्यापक नाराज़ हो जाएगा, ऐसा उनके मन में भाव नहीं रहना चाहिए। और ये तभी संभव होता है जब बच्चे अध्यापक से अपनी बातचीत जारी रखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की व्यक्तिगत, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की जानकारी मिलती है और उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि निर्धारित करनी संभव हो जाती है। देखिए, आपसे हम यहाँ कहना चाहेंगे कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जैसे जो बुद्धि है उसका स्तर
अलग अलग होता है। कुछ बच्चे सामान्य गति से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि कक्षा कक्ष में जितने भी बालक बैठे हैं उनका जो मानसिक स्तर है वो कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है, वो कौन सी भाषा को समझते हैं, उनकी क्या क्या सामाजिक समस्याएं हैं। क्योंकि जब हम जिन बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में निर्वाह करते हैं उनके समस्याओं का जानना हमें अति आवश्यक है। बच्चों को बातचीत के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्योंकि शिक्षण के सूत्र के अनुसार हमें केवल बालक को विषय वस्तु ही प्रदान नहीं करनी है बल्कि उसको प्रोत्साहित करना है कि उस विषय वस्तु का सार समझकर वो एक तरह से उसको आलोचनात्मक रूप से पढ़ें। जरूरी नहीं है कि जैसे पढ़ा दिया जाए उसको ग्रहण किया उनसे पूछा जाए कि जैसे माना कि आपने उदाहरण के लिए उनको हार जीत कहानी पढ़ाई और जिसमें ऐसा है कि उसमें वो बाबा भारती का जो घोड़ा है डाकू वो लेकर चला जाता है धोखे से, तो वो उसको कहता है कि किसी के साथ ऐसा मत करना नहीं तो सबका जो दया करने से विश्वास उठ जाएगा। तो इस तरह फिर बच्चों से कहा जाए कि आप इस बात से क्या समझे, तो जब हम कहानी सुनाकर हमने उसकी नैतिक शिक्षा भी दे दी फिर हमने बच्चों को अवसर दिया। अगर हम पहले उसकी नैतिक शिक्षा नैतिक बल की बात ना करें, बच्चों से पूछें आपको क्या प्रोत्साहन मिलता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, या हमने कोई प्रेमचंद की कहानी जैसे उदाहरण के लिए पंच परमेश्वर कहानी सुनाई और उनसे पूछा क्या जो न्याय किया गया आप उससे सहमत हैं या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो बच्चे बढ़ चढ़ कर बताएंगे नहीं मैं ऐसे होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप जो है बीच में चुप हो जाएं फिर देखें बच्चे क्या बता रहे हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि शिक्षण का ये सूत्र भी हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना है, वे डरे हुए नहीं रहते और विद्यालय आने से भी कतराते नहीं हैं। क्योंकि हमारे सामने एक ये भी समस्या है कि बच्चों का नामांकन हो जाता है और उसके बाद जल्दी ही वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी विद्यालय छोड़ देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं रहती। तो अगर हमें इस समस्या से भी निपटना है कि नामांकन के साथ साथ ड्रॉप आउट ना हो, सभी बच्चे जितने बच्चों का स्कूल में नाम लिखाया गया है वो सभी शिक्षा पूरी करने से पहले विद्यालय ना छोड़ें, तो इसका मतलब हमें ऐसा माहौल बनाए रखना है कि वो विद्यालय आने से कतराते नहीं बल्कि भाग भाग कर आएँ कि उनको उनमें आनंद मिल रहा है। बातचीत जो है उसके द्वारा कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। अन्य लाभ यह है कि वे अपने परिवेश के प्रति सम्मान करने लग जाते हैं। जहाँ जिस माहौल में रह रहे हैं हमें बच्चों को उस परिवेश के प्रति सम्मान करना सिखाना है। माना आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो बार बार हमें बच्चों को बताना है कि चारों ओर के परिवेश को हमें साफ सुथरा रखना है। तो वो हम बातचीत के जरिए बताएंगे कि बताओ आप आ रहे थे रास्ते में तो क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा कि जो यात्रा के दौरान या अपनी कार से शीशा ऐसे खोला और वो कूड़ा करकट डाला, क्या ये अच्छी बात है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो बच्चे एकदम से बढ़ चढ़ कर बातचीत के दौरान तरीके से ही बताएंगे नहीं ये बहुत गलत है, कल आपने बताया था कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें जैसे घर साफ रखते हैं सड़क पर भी हमें नियमों का पालन करना है। तो बातचीत के तरीके से ही हमने उनको परिवेश के प्रति सम्मान करना सिखाया और वे नई भाषा अर्जन में भी उत्साहित अनुभव करेंगे। कोई भी साधारण या सामान्य बात अपने आप में किसी न किसी विषय पर आधारित होती है। दो व्यक्ति अगर मनोरंजन के लिए बात कर रहे हैं केवल पढ़ाई की कक्षा कक्षी बात नहीं, तो भी माना आप किसी के घर मिलने गए हैं तो भी आपका किसी ना किसी जो चर्चा का विषय है बात रहेगी, और भाई बताइए आपने कल क्या किया, इतने दिनों कहाँ रहे, तो एक तरह से कोई ना कोई विषय हुआ। हम अक्सर बच्चों की तर्क शक्ति कल्पना शक्ति और भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य की अवहेलना करते हैं। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों में बैठे हैं, जब बच्चा कुछ बोलने लगता है तो हम उसको रोक देते हैं कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अगर
हम अध्यापक से ये आशा लगाते हैं कि वो बच्चों की शक्ति को, कल्पना शक्ति को विकसित करे, तो हमें घर में भी एक ऐसा माहौल देना है कि बच्चों को कहें हाँ बताइए, आप बताइए, आपके जैसे हमने जो भी मुद्दे पर बातचीत प्रारंभ की हुई है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इससे बच्चे भी अपना तर्क देने लगते हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक उसकी बात होती है या राजनीति की बात होती है या सफाई मुद्दे की बात हो रही है, जो भी बात हो रही है उसके बारे में बच्चों का भी तर्क जो है उसका हमेशा स्वागत करना चाहिए। इसी तरह से कक्षा कक्ष में भी कल्पना शक्ति का विकास तभी होता है जब हम विद्यार्थियों को बताएं किसी का भी जो उत्तर है वो गलत नहीं है, अपने अपने तरीके से बताइए, और अगर हमने बताना भी है तो हम बच्चों को कहेंगे नहीं, इसका जो समस्या का हल ऐसे नहीं, ऐसे किया जाएगा, तो उससे बच्चों का प्रोत्साहन बना रहता है। अब बातचीत के अवसर कैसे प्रदान करें, आप कक्षा कक्ष में एक स्थिति उत्पन्न कराएंगे, डाकघर, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि का दृश्य उत्पन्न कराएंगे, टूर पर ले जाएंगे, पिकनिक पर ले जाएंगे, और बच्चों को वहाँ की कार्यवाही, जैसे हमने बच्चों को हम रेलवे स्टेशन ले गए और उसके बाद आकर हमने उनसे पूछा आपने कल क्या क्या देखा, सीधा ये नहीं कि रेलवे स्टेशन पर प्रस्ताव लिखिए, रेलवे स्टेशन पर क्या देखा, अच्छा आपने क्या देखा, खिड़की पर क्या था, टिकट कैसे कट रहे थे, कौन कौन कहाँ जा रहा था, इस तरीके से बच्चे सारा का सारा चित्र खींच देंगे, क्योंकि कक्षा कक्ष में अध्यापक को वर्णन नहीं करना, चित्रण करना है, चित्र दिखाकर उन पर चर्चा करना है। चित्रों पर बातचीत करने से उनकी सृजनात्मकता एवं विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ती है। जिस ओर बालकों का ध्यान नहीं गया, शिक्षक उनके बारे में प्रश्न करके उन्हें सिखा सकता है और बारीकी से अवलोकन कैसे किया जाए ये भी बता सकता है। इससे बालकों में ढूंढना, उनके बारे में तर्क करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना इत्यादि क्षमताएं बढ़ती हैं। भविष्यवाणी करना, चीज़ों और घटनाओं को अपने अनुभवों से संबंध बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कहानी, नाटक, कविता के माध्यम से भी बच्चों को कहानी सुनाकर कहें अच्छा, उस पर बातचीत करें, इससे उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होगा। साथ ही कहानी सुनाने वाले का तरीका ऐसा हो कि बालकों की कल्पना शक्ति विकसित हो और स्वयं भी कहानी पूरी करने में आत्मविश्वास बढ़ा सकें। नाटक द्वारा भी बातचीत करके बच्चों में भाषाई विकास संभव है। कविता गायन द्वारा भी अर्थ समझाते हुए बातचीत की जा सकती है और उनका ज्ञान एवं मनोरंजन दोनों संभव है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमने बच्चों में बातचीत को विकसित करना है तो हम उनको टूर पर ले जा सकते हैं, पिकनिक पर ले जा सकते हैं, या पहले दिन हम उनको बैंक लेकर गए और फिर हमने बच्चों को आके कक्षा कक्ष में कहा कि सारे यहाँ पर इस फर्नीचर को ऐसे लगाओ जैसे आपने बैंक में देखा, और अपने अपनी भूमिका निर्धारित करो, कौन मैनेजर की सीट पर बैठेगा, कौन ग्राहक बनेगा, कौन गेट पर खड़ेगा, कौन बंदूकधारी बनेगा। इस तरह बच्चे खेल खेल में नाटक भी तैयार करेंगे, वैसा ही कक्षा कक्ष का फर्नीचर तैयार कर देंगे और बैंक की सारी जो प्रक्रियाएँ देखी उसको यों का तों लिख देंगे, या हम कहानी के माध्यम से बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से ही बच्चों को प्रस्ताव लिखना भी सिखा दिया, कहानी पूरी करनी भी सिखा दी, और अगर व्याकरण की बात करें तो वो भी हमने सिखा दिया, और हमने कविता के माध्यम से उनमें देशभक्ति की भावना भरनी है वो भी सिखा दिया, या सामाजिक मुद्दे जैसे स्वच्छता अभियान या और भी जो हमने सामाजिक मुद्दे पर बातचीत की उसके माध्यम से हमने उनमें प्रोत्साहन, आत्मविश्वास सिखाया और विषय वस्तु का पूरा ज्ञान प्रदान किया। तो इस बात से स्पष्ट होता है दोस्तों, आप सहमत होंगे, सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी इसको सुना, आप सब सहमत होंगे कि किस प्रकार बातचीत के माध्यम से हम विषय वस्तु का भी ज्ञान दे सकते हैं और विषय वस्तु को रोचक और दिलचस्प और प्रभावशाली बना सकते हैं। धन्यवाद।